नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। गुरुवार को रिद्धि सिद्धि महिला समिति द्वारा दिवाली एवं करवा चौथ मेले का आयोजन किया गया। मनोरंजन एवं मस्ती से भरपूर इस मेले का आयोजन रिद्धि सिद्धि महिला समिति की मीनाक्षी मित्तल द्वारा पश्चिम बिहार स्थित रेडियन ब्लू होटल के मैपल गोल्ड 5 स्टार बैंक्वेट हॉल में किया गया। मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस नेता मदन खुराना एवं सत्येंद्र शर्मा ने भाग लिया और महिलाओं का मनोबल बढ़ाया। साथ ही इस दौरान कांग्रेस नेता मुरारी लाल, जनमत की पुकार के संपादक आर के जायसवाल, दीपक शर्मा, यश अरोड़ा एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मेले का मुख्य आकर्षण डांडिया रास, फैशन शो, बंगाली थीम के साथ ही गेम्स रहा। इस मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे। इसमें स्वदेशी हैंडक्राफ्ट के स्टॉल ने लोगों का ध्यान विशेष तौर से आकर्षित किया। यहाँ खान पान का स्टॉल भी लगाया गया था। महिलाओं ने डांडिया रास, फैशन शो व बंगाली थीम पर, जबकि बच्चों ने गेम्स का भरपूर आनंद लिया। समिति के सदस्य महिलाओं ने बंगाली थीम पर देवी स्तुति नृत्य प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस दौरान बंगाली वेशभूषा में सजी महिलाएं हर किसी के आकर्षण का केंद्र थीं। किस तरह का आयोजन किया जाए अपने आप? यहाँ पे दिवाली के लिए इवेंट किया है जिसमें सब लोग पूरी मस्ती और करवा चौथ के लिए सब सज के आए हैं। बंगाली थीम की है जो लोगों को पसंद आ रहा है। लोग अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, इसलिए ताकि लोग आगे आए, इसलिए इस क्लब को बनाया गया। जो महिलाएं घर से नहीं निकलती हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो घर से निकलते हैं वो घर से निकले, आगे आगे बढ़े, ऐसे ही धीरे एक दूसरे का सपोर्ट करें, तभी महिलाएं आगे। इनसे कितनी पुरानी संस्था है आपकी, अपने संस्था के बारे में? इसको ये मतलब 20 साल से चली आ रही है, पर नाम हमने अब आकर चेंज करा है। पर भाभी का बहुत मेहनत है, 20 साल से इतनी मेहनत से लगी हुई है आगे आगे लेडीज को आगे लाने में। हाँ, इसमें नारी शक्ति को आयोजन करती है, इसमें नारी को प्रोत्साहित करती हैं कि वो आगे बढ़े, एक हाउसवाइफ ना रह के आगे समाज में आए और समाज के कार्यों में भाग लें। जो भी लेडीज हैं वो अपने घर से बाहर निकलें, कुछ इंजॉय भी चाहिए यार। सारा दिन घर में ही बैठ के क्या करना है? बाहर निकलेंगे, इंजॉय करेंगे, तभी हम कुछ सीखेंगे ना बाहर की दुनिया का, इसीलिए आना। कोरोना संकट के बाद बहुत दिनों बाद आप लोग प्रोग्राम में दिख रही हैं। बहुत दिन के बाद दिख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत प्यारा लग रहा है कि हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और प्रभु से यही बेनती है कि आगे वो काल दोबारा ज़िंदगी में किसी को ना दिखे। और बहुत अच्छा लग रहा है कि रिद्धि सिद्धि क्लब आगे आकर लेडीज़ को घरों से निकाल रहा है और सब लेडीज़ जो अपना पैशन है उसको, हुनर को आगे ला रही हैं और घर में भी डिवोट कर रही हैं, क्योंकि वो कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं अपने हस्बैंड के साथ। ये सारा श्रेय मीनाक्षी जी को जाता है। मीनाक्षी जी, तो मैं मीनाक्षी जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। और काफी दिनों बाद आप लोग पार्टी में दिख रहे हैं कोरोना संकट के बाद। हाँ, अच्छा लग रहा है निकल के घर से और पार्टी वगैरह अटेंड करने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे एंजॉय करने के लिए मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। आपकी संस्था और किन क्षेत्रों में काम करती है? कितने क्षेत्रों में काम? जो भी महिलाओं के लिए जो भी अच्छा हो सके उन सब क्षेत्रों में, जिनसे सारी महिलाएं आगे बढ़ सके, उनको प्रोत्साहन मिल सके कुछ अपनी पहचान बढ़ाने का। मीनाक्षी जो है हमारी भाभी है, आगे बढ़ रही है, देखकर बड़ी खुशी हो रही है, सबको साथ लेके चल रही हैं और सबका अच्छा सोच रही हैं। आपकी जो संस्था है और किन किन क्षेत्रों में काम करती है? वो मेन महिलाओं को आगे बढ़ाने में ही काम कर रही हैं। उन्हें लग रहा है लेडीज को भी आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगी? दो दिनों बाद पार्टी। हाँ, ये मेरी फर्स्ट मेंबरशिप है महिला समिति के साथ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक नया एक्सपीरियंस है एंड आई एम एंजॉइंग वेरी मच। कोरोना संकट के दौरान आज काफ़ी दिनों बाद महिलाएं थिरक रही है, डांडिया नाच रही है,
क्या संदेश देना चाहेंगी आप? संदेश कोरोना को ये है कि हमने उसको मात दे दी है, लेकिन अभी फिर भी सेफ्टी की अभी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम लोग सेफ्टी बनाए रखेंगे तो हम सब चीज़ एंजॉय कर पाएंगे, और जहाँ हमने ये सेफ्टी प्रिकॉशन छोड़ दिए तो वहीं मतलब सब खत्म हो जाएगा, तो इसलिए हमें सेफ्टी ज़रूरी है रखनी, तो उसके और कोरोना एंजॉय भी करो, और एंजॉय तभी कर पाएंगे जब हम सेफ्टी करेंगे, तो यही संदेश है कि सब लोग एंजॉय करो। क्या संदेश देंगे महिलाओं को, जो महिलाएं घर पे बैठी रह जाती हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल पाती? नहीं, महिलाओं में आजकल बहुत जागरूकता आई है, ऐसे घर में तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी महिलाएं बैठी रहती हैं, काफ़ी सब लोग बहुत अब आजकल काफ़ी इंटेलिजेंट हो गई हैं, और बहुत अपनी तरह से सब चीज़ जैसे जैसे उनका मन करता है उस तरह से करती हैं सब, बट स्टिल जो घर पर हैं उनको यही है संदेश कि अपने लिए भी वक्त निकालें और कुछ अपने लिए भी करें, फैमिली सबसे पहले है लेकिन खुद के लिए भी समय निकालें। हमारे क्लब में आके आप इस क्लब में आई हैं तो कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? रिद्धि सिद्धि क्लब में तो बहुत ही बढ़िया लगा, आगे बहुत ही अपना एक्चुअल में अपनी फैमिली जैसे लगता है, क्योंकि हम भी मारवाड़ी बनिया ही सब हैं, बनिया भाई, तो बहुत अच्छा इन्जॉय किया यहाँ पर आकर के, बहुत अच्छा फूड एम्बियंस स्टॉल्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के, और बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब है, सबसे ज़्यादा बढ़ के बात है। थैंक यू। आज असल में मैं ही सब पे भारी। मुख्य अतिथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के इस क्लब को आके औरतों का हौसला अफजाई की, मैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।